आप जब ये व्लॉग देख रहे हो उस दिन है 15 अगस्त, तो आप सबको मेरी तरफ से 75 ईयर्स के अमृत महोत्सव की, स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से 15 अगस्त मनाइए और बहुत सारा प्यार बांटिए। और गाड़ी लॉक हो गई, चाबी निकाली, और सेम यही चीज़ पहले बर्थडे पे भी हुई थी। अब आज क्या हुआ है, जैसे आज से पता चला कि एक दूसरे के भरोसे कभी नहीं देंगे। एक शिमी बाय। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। राखी हो गई है हमारी कंप्लीट और अब मेहमानों के जाने का टाइम हो गया है, पैकिंग हो गई है स्टार्ट। कौन सा चाहिए, क्या चाहिए? क्या यार, हम नहीं जा रहे हो तुम? अभी तक ब्लू मेरे पास कोई ब्लू नहीं आया है। मेरे पास इधर पैकिंग चल रही है, वहाँ शिवा दीदी के पैकिंग हो गई है। शिवा दी, क्या अभी तक ज्वेलरी पहना ही नहीं है क्या? पहन ली। बताओ कल क्या क्या लेके आए, ब्लॉग में दिखाओ। मेकअप भी हो गया, वो कान वाले मैचिंग है। या ठीक, कल वाले पहना गए सब ज्वेलरी जो भी शॉपिंग करी थी वो। और आप इधर देखो ना, ये बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो गेस्ट तो रुकने का नाम नहीं ले रहे, सिर्फ 2 दिन रुके, अभी जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज नहा लिया है और साड़ी पहन ली है, क्योंकि चिकू का है बर्थडे, सो इसीलिए मैंने कहा साड़ी पहनती हूँ आज। और अभी बना दी है ब्रेकफास्ट में पोहे, तो हम सब जने यहाँ पे बैठ के पोहे खा रहे हैं। और सब जने जाने की बड़ी जल्दी कर रहे हैं, बिना दीदी के क्या पता बहुत जल्दी हो गई है। के बर्थडे की कोई भी प्लानिंग हुई नहीं है, क्योंकि कुछ पहले से सेट था ही नहीं। राखी मैं सब जने हम इतने बिजी हो गए कि कोई बर्थडे की प्लानिंग हुई नहीं। हालांकि हमने कल रात को सेलिब्रेट कर लिया है बर्थडे, केक वेक जो भी कट करना था वो कर लिया, पर पूरा दिन का जो प्लान रहता है वो अभी तक कुछ सेट नहीं हुआ है। चलो आगे आगे देखो क्या होता है पूरे दिन में। देख ये लो, ये एप्पल, लो एप्पल। नहीं पकड़ रही हूँ, तू तो पकड़ी ले। शिवाजी और ये लोग जा रहे हैं, क्या डिक्की खुलवा रहे हैं हमसे? इसको कुछ चाहिए? क्या चाहिए? ओके भाई आना। ओके भाई आना, आ रही है भाई का टाइम। मेरे मेरे भाई का आना ना, मम्मी आना, तुम लोग तैयार हो रहे हैं? मम्मी तैयार हो। ओके बाय कर दो सबको, बाय। शिबी बाय इनके, तो शिबी बाय, शिबी बाय। पाका दो, पाका दो, कर ली इसमें। सतीश बाय इनके, तो बाय। जय जी की ना, आगे बढ़ाओ। ए दीदी, ए दीदी, ओ भाई चुगी, या वाह ना मम्मी, वाह। ध्यान से जाना, अगर आने का मौका मिला तो आएंगे। पूजा वगैरह सब हो गई है और बिना दीदी शिवाजी दोनों चले गए। बिना दीदी को शूट ही नहीं कर पाए क्योंकि मैं पूजा कर रही थी उस टाइम पे, इसलिए बर्थडे की कुछ और तो प्लानिंग हुई नहीं थी। चिकू और हम दोनों जा रहे हैं उदयपुर, तो मम्मी को भी हॉस्पिटल का कुछ काम है, तो मम्मी भी साथ में आ रहे हैं। और घर में आज भाई जी वापस से नहीं आए, तो ऐसा कैसा रख के जा रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल का अपॉइंटमेंट थोड़ा है जल्दी, इसीलिए कार में आ चुके हैं। मम्मी का कार में आना बाकी है, क्योंकि मम्मी सारा पैक कर रहे हैं घर पे, क्योंकि पापा अकेले ही है फिर घर। और मम्मी ने भी अपना टिफ़िन ही ले लिया है, क्योंकि खाना बना लिया था बिना दी। बनी का रुमाल बिना दी भूल गए, तो मम्मी वो लेने गए, और बनी बिना दी आगे निकल गए। और हनी, हनी बनी एक जैसा है, हनी बनी नाम वही आता है। और हमारा पता है बिना दी को क्या बोलती है? बनी बुआ, बनी।
मैंने बोला उसको पता नहीं अंदर, अभी उसको चिकू छोड़ के आए, नहीं तो चिकू 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 करके बाहर आ जाएगी फिर रोएगी आने के लिए। लो मम्मी भी अब आ गए, वो भी ले लिया रुमाल। आगे से लॉक है तो कहाँ होंगे, घर पे होंगे? घर पे बिना दी के यहाँ पर मम्मी उतर रहे हैं क्योंकि मम्मी को बताना है हॉस्पिटल, और हम मम्मी को यहाँ पर छोड़ कर निकल जाएंगे। अब पता नहीं अभी तक क्या, कुछ भी प्लान नहीं है। सबसे पहले कर देते हैं पेट पूजा क्योंकि भूख लग गई है। सुबह पोहे का नाश्ता किया था बट टाइम हो गया खाने का, 1:30 बज गई है। तो मैंने, मेरे को जो पसंद है वो मैंने डोमिनोज में ऐड कर दिया था। अब चिकू को जो पसंद है वो चिकू ऐड कर रहे हैं। बनी है हनी है, मैं वापस आ गया। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू हैप्पी बर्थडे रॉबर्ट। अब बोलो ना, ऐसे नहीं होता, रिपीट क्यों नहीं होता है? हमको डोमिनोज का ऑर्डर देना था अशोक नगर में, पर वो गलती से चिकू को सेलिब्रेशन मॉल में ऑर्डर हो गया। तो अभी सेलिब्रेशन मॉल आए सिर्फ डोमिनोज लेने के लिए, और पीछे वाले गेट पर भैया ने बोला है कि यहाँ पे मैं डिलीवरी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पीछे गेट पर आए। तो यहाँ से हमारा ले लेंगे लंच और फिर गाड़ी में ही कर देंगे। गाड़ी में लंच करके फिर चिकू ने कहा इसके बाद हम घूमने निकलेंगे मॉल, तो शाम को आएंगे। मूवी देखने का प्लान है, मूवी की टिकट जो हमको मूवी देखनी है वो मिल जाए तो बढ़िया। गिफ्ट है पिज़्ज़ा की अनबॉक्सिंग करें, पिज़्ज़ा की अनबॉक्सिंग करो। और बर्थडे बॉय अब तो आज आए नहीं हम व्लॉग में बिल्कुल। बर्थडे बॉय को आज सब अनप्लान मिल रहा है, रात का सेलिब्रेशन भी एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं था। चिकू को लगा था मैं भूल गई। चिकू ने मस्त ऊपर चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो डाल दिया, और जब से पार्सल लिया तब से इसकी खुशबू से बहुत ज़्यादा एकदम मुंह में पानी आ गया। तो हमारा जो पिज़्ज़ा आ गया उसको एंजॉय करते हैं। लंच हमारा हो चुका है तो अब आ जाता है डिज़र्ट टाइम। ये हमको साथ में फ्री मिला आज खाने में, हालांकि खोलना आपको ही चाहिए था क्योंकि आपका बर्थडे है, तो केक काट दो थोड़ा सा। चॉकलेट वाला ही है, रेड वेलवेट नहीं है। यम्मी। खाना खाने के बाद हमने डिसाइड किया मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा है तो क्यों ना पुरानी यादों को ताज़ा करने फतेह सागर जाया जाए। चिकू और हम दोनों शादी से पहले बहुत ज़्यादा फतेह सागर जाया करते थे जब भी हम आते थे। तो अभी हम दोनों जने जा रहे हैं फतेह सागर, और मौसम साथ में इतना अच्छा, वहाँ जाएंगे थोड़ी देर बैठेंगे मस्त, और आपको वहाँ का व्यू दिखाते हैं, बहुत ही शानदार व्यू। फतेह सागर पहुँच चुके हैं, पर फतेह सागर वाला रोड इतना ज़्यादा बिजी है, नेविगेशन में फुल रेड बता रहा है, और ये लाइफ ट्रैक। फुल ट्रैफिक है, धीरे धीरे अब गाड़ी बढ़ेगी आगे। ये आने वाली गाड़ी इधर से आ रही है। तो यहाँ से भी दिख रही बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फतेह सागर जाना था पर नहीं जा पाए क्योंकि गाड़ी हमको बाहर ही ड्रॉप करके जानी पड़ती फिर, और ये पॉसिबल नहीं था इतनी भीड़ में। कार गाड़ी रखने की भी तो जगह चाहिए, और अंदर पूरा चलते चलते घूम के बाहर निकल जाओ, वो भी ओनली फॉर स्कूटी और इनको ही अंदर अलाउ था, बाकी फोर व्हीलर को नहीं था। फोर व्हीलर पहले अलाउ हो गई, फुल हो गया होगा इसलिए फिर फोर व्हीलर को जाना ही बंद कर दिया। तो अभी हम जा रहे हैं रानी रोड घूमने के लिए। क्या है लेक ही तो देख लीजिए, लेक देख लेते हैं, टाइम स्पेंड करना है साथ में वो तो हो ही रहा है, और साथ साथ नज़ारे भी अच्छे अच्छे ही है। बारिश की बूंदाबांदी चालू। हम उतर गए हैं बड़ी लेक पर, और क्या शानदार व्यू है। हाँ चिकू, व्यू कैसा लगा? व्यू कैसा लगा? शानदार।
फतेह सागर तो जाना इम्पॉसिबल था क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़, यहाँ पर भी बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ के साथ ही हम आए, यानी इतनी रास्ते पे भीड़ थी, दो बार तो गाड़ी फंसी है, और सेम यही चीज़ पहले बर्थडे पे भी हुई थी, गाड़ी फंस गई थी सेम वही है। और उसी जगह पे हुआ, ऑलमोस्ट हुआ भी उसी जगह पे। नहीं मेरे को नहीं बैठना है, मेरे को डर लगती है। फोटोज तो इतने अच्छे आ नहीं रहे, बड़ी मुश्किल से चिकू ने एक दो क्लिक किए। अब जाते हैं, अब गाड़ी लॉक हो गई, चाबी निकाली। व्यू बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया एकदम, यानी। और अभी हम फिर जा रहे हैं एक विलन देखने के लिए, लैक्स सिटी मॉल। तो वहाँ पर चिकू ने अभी देखा तो मूवी की टिकट्स अवेलेबल है, 4 बजे का टाइम है, 4 बजे का टाइम है, तो 4 बजती है तब तक तो हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। एक विलन फाइनली आज देखेंगे। चिकू को तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना था पर वो पॉसिबल हुआ ही नहीं, पर वाह चलो बर्थडे के दिन मुहूर्त आ ही गया है तो देख ही लेते हैं। लैक्स सिटी की पार्किंग में तो आ गए। अब आज क्या हुआ है कि मैं मेरे कैमरे की बैटरी लाना भूल गई हूँ, सबसे बड़ी गलती हो गई है वो, जल्दी जल्दी भाग दौड़ में। और एक्चुअली क्या हुआ ना, उदयपुर क्या उदयपुर आने का प्लान ही हमारा बहुत ज़्यादा लेट हुआ था, लगभग 11 बजे तो हमने सोचा चलो उदयपुर जा आते हैं, अब जा आते हैं, तो चिकू क्या पहले निकल गए और मैं बाद में लेके निकली। मैं समझी चिकू बैटरी लेके गए होंगे क्योंकि अक्सर लेके जाते हैं, तो मैं इनके भरोसे रह गई और ये मेरे भरोसे रह गए, तो इसलिए आज से पता चला कि एक दूसरे के भरोसे कभी नहीं देंगे, एक अपने पास एक एक बैटरी कैरी कर ही लेंगे। अब आज अब बैटरी नहीं लेके आए, मेरे बैटरी के अंदर अभी 2 ही डंडे, तब मेरे को फ़ोन से ब्लॉक करना पड़ेगा, तो अंदर वैसे मैं फ़ोन या फिर GoPro ही ले जाती, अंदर बड़ा कैमरा ले जाना थोड़ा मुझे भी अनकम्फर्टेबल लगता है, इसलिए तो कैमरा तो मैं कार में ही रख दूँगी। लिफ्ट नहीं लेकर सीधा सीढ़ियों से ही चढ़ रहे। मूवी टाइम मेरे को बोला कि 4 बजे है, पर 4 बजे मूवी नहीं थी, 4:48 पे मूवी थी, तो 1 घंटा हम पूरा नीचे बैठे हैं और अभी मूवी टाइम हो गया है, तो अब जा रहे ऊपर थिएटर में। सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चढ़े ना, दो तो एलिवेटर्स ख़राब है नीचे। पूरा मॉल सजाया है मस्त। अरे यार मैं तो आपको ढूंढती रह गई, कहाँ गए, क्या बंद है क्या? मेरे बर्थडे पे ब्रह्मास्त्र देख लेंगे। चिकू को लगा यहाँ से एंट्री है पर यहाँ से नहीं है। वाटर बॉटल लेके आए थे पर नीचे पेंटालूम्स में ही भूल गए क्योंकि वहीं पे फ्री थे तो घूम रहे थे, चिकू से वहीं छूट गई। एक चॉकलेट भी ले लिए। अभी हुआ इंटरवल टाइम और रिश्ते का अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है, अमीरों की 1500 स्क्वायर फीट की आलीशान 3 बीएचके। मूवी देखते देखते पूरी पानी की बॉटल मुझ पे डूल गई तो मेरी पूरी साड़ी भीगी भीग गई, तो फिर अर्जेंट है नाइट सूट लिया और अभी चेंज करके वापस से कार में आया। और मूवी ठीक ठाक थी, कुछ पता ही नहीं चला मूवी में क्या हो रहा है, बहुत झोलमोल था। चिकू को भी इतना कन्फ्यूजन लगा, मेरे को भी कन्फ्यूजन लगा। अब चलते हैं मम्मी के पास, मूवी तो देख ली है और मम्मी क्या कहते हैं साथ में ही डिनर करेंगे। अभी का प्लान कुछ ऐसा है, अभी जाएंगे हम बिनादी के घर पे, फिर वहाँ से प्लान करते हैं कहाँ पर जाएं डिनर करने के लिए। अभी तो मेरी तो इच्छा कम है कहीं बाहर जाने के लिए क्योंकि फुल हो रही है बारिश, उदयपुर का तो माहौल यानी बारिश बढ़ती रहती है धीरे धीरे, अगर बारिश रुक गई तो कहीं बाहर जाएंगे, नहीं तो हम घर पे ही बना के खाएंगे क्योंकि सुबह खाया था बाहर, तो बार बार मुझे इच्छा कम है बाहर खाने की, चिकू को इच्छा है, देखो अब क्या होता है, वहाँ जाएंगे फिर प्लान करते हैं। घर आ गए बिना दीदी के और यहाँ पर आके रेस्ट कर रहे हैं, बिना दी और मम्मी नीचे हैं, अब थोड़ी देर बाद नीचे जाते हैं और फिर डिनर का प्लान करते हैं, अभी तक इनका भी कोई प्लान नहीं है डिनर का। आपका क्या प्लान? चलते हैं, पैसा खर्च करते हैं। पैसा हनी खर्च करेगा, मामा के बर्थडे की पार्टी देगा। पूरे 10 रुपए मेरे सामने बोला जाए कितने, 10 रुपए मेरे पास दाबे लिखाएंगे जाके वो भी तीन टुकड़े करा देंगे। अच्छा
केक कटिंग उसकी कर देंगे दाबली कटिंग सही है काटना चाहोगे दाबली केक दाबली काट देंगे काट हाँ तो पांजा ऐसा होना चाहिए मामा को कुल मिला के केक कटवाना है बर्थडे के दिन कुछ भी काटे पहले हाँ सेटिस्फेक्शन केक जैसे फिल्म का आ जाएगी ब्रेड उसमें भी होता है उसमें भी है आप सोच सोच के अपन जाते हैं कहीं अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं है बिना दिन का है चलो चलते हैं गाड़ी में फिर डिसाइड करेंगे बोल रही है अभी डिसाइड किया क्या डिसाइड किया कहाँ खाना है कहाँ खाना है बता 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 फाइनली डिसाइड डोमिनोज ही हुआ डोमिनोज बता था अंदर गए डोमिनोज में पर इतनी भीड़ थी बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी चिकू ने कहा गाड़ी से ऑर्डर कर देते गाड़ी में ही खा लेंगे डोमिनोज का प्लान इसलिए बना क्योंकि बाहर कहीं पर भी खाना अभी थोड़ा अनहाइजेनिक है और बारिश की वजह से सब जगह इतनी मच्छर वगैरह है इसलिए थोड़ा कम अच्छा लगा बिना दीदी ने भी यही सजेशन दिया मम्मी ने भी यही दिया चिकू ने भी यही दिया और मैन हनी हनी को तो डोमिनोज ही खाना था तो हनी की मन की बात उसके मामा ने सुन ली और डोमिनोज भी हम आ चुके हैं अब खाना यहाँ से ऑर्डर कर देते पिज़्ज़ा आ गया है अब इंजॉय करते हैं और बहुत टाइम हो गया 1.5 घंटा हो गया हमारा ऑर्डर आने में बहुत भीड़ है आप देख सकते हो बाहर मामा जा रहा है तो वाह ओके बाय 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 घर के लिए निकल चुके हैं और आज तो क्या पता उदयपुर में भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था संडे था इसलिए और रोड पर भी इतना ट्रैफिक है ऋषभदेव जा रहे तो बहुत ज़्यादा तो चिकू भी थोड़े थोड़े इरिटेट हो गए अभी थोड़ा क्लियर रोड मिल गया है तो चलाने का मज़ा आ जाएगा बाकी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था आ चुके हैं और आज 14 अगस्त होती है फाइनल और आप जब ये ब्लॉग देख रहे हो उस दिन है 15 अगस्त तो आप सबको मेरी तरफ से 75 इयर्स के अमृत महोत्सव की स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं बहुत अच्छे से 15 अगस्त मनाइए और बहुत सारा प्यार बांटिए आप सोच रहे होंगे कि बर्थडे इतने अच्छे से सेलिब्रेट क्यों नहीं किया कुछ प्लानिंग क्यों नहीं की क्योंकि मैंने एक साल पहले बहुत प्लानिंग की थी और उस प्लानिंग से सारा सब कुछ फ्लॉप हो गया था आप चाहो तो वो जाके ब्लॉग देख सकते हो इसलिए हमने कुछ प्री प्लानिंग नहीं की थी जो भी एक्सट्रीम होगा वो अच्छे से हो जाएगा यूँ करके और उस ब्लॉग का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्यों प्लानिंग नहीं की थी अब बाय बाय करते हैं ब्लॉग अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना शेयर कर देना कमेंट करना सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और हाँ चिकू के लिए बहुत सारी गुड विशेज़ देना